तो ये टीवीएस राइडर 125 वन ऑफ बेस्ट लुकिंग 125 सीसी बाइक आपको जो इंडियन मार्केट में मिलता है, इसे आप बाय कर सकते हैं इंडिया में। तो इसमें आपको E20 कंपैन मिल जाता है होप। तो चलिए बात करते हैं इसका क्या क्या चेंजेस हुए, क्या नए चेंजेस हुए, उससे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको जो है नई तक सेम मिलता है, इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको टीवीएस का वर्जन क्या मिलता है, जो DRL से आपको सेम मिलता है, इसका कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिलता है बल्ब में, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। फ्रंट में 43 mm का एंड इसको कुछ सस्पेंशन मिल जाते हैं। और जो टायर मिलता है आपको 80y 100 R20 इंचेस का मिल जाता है। और फ्रंट में डिस्क मिल जाता है जो कि शायद TVS का है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं किया गया है, जैसे कैनपर सेट। और वही बात करें इसके फेयरिंग का, यहाँ पर आपको फेयरिंग डिजाइन मिलता है आपको 125 cc के बाइक में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव बात है। यहाँ पर TVS का वर्जन किया हुआ है। और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है, एक रेड, ब्लैक एंड ग्रे कलर का मिलता है। आपको 3 कॉम्बिनेशन किया गया है कलर्स का। और नीचे आपको इसका इंजन ग्लाइडिंग मिल जाता है, फेयरिंग भी बोल सकता है उसे। और यार इसका इंजन जो मिलता है 125 cc का इंजन मिलता है। इसका जो पावर है आपको 11.2 PS का मिलता है। और जो टॉर्क मिलता है आपको 11.7 Nm का मिलता है टॉर्क। और यहाँ पे आपको राइडर का वेजिंग क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जाता है। थोड़ा सा मीटर का बात करें हम लोग, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड मीटर मिलता है 125 cc के बाइक के हिसाब से। तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पर टाइम भी कह रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे ऑडोमीटर, यहाँ पे आपको ये फीचर्स मिल जाए। मोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको 3A 3B रेंज एंड एवरेज दिखाएगा। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सर आता है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे E20 का बैजिंग किया हुआ है। यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है ये टैंक, पर आपको ये जो पार्ट है ये फाइबर प्लस मेटल का मिलता है। सीट का बात फिर आपको इसमें मिल जाता है स्प्लिट सीट, इसमें आपको एक सिंगल सीट का भी ऑप्शन आता है, जो कि थोड़ा कम्फर्ट राइडिंग के लिए होगा और ये थोड़ा स्पोर्ट राइड के लिए होगा। और कम्फर्ट का बात करें, ये भी काफ़ी कुशनिंग है, अच्छा कुशनिंग है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। पीछे का टायर का सेक्शन मिलता है, वो आपको मिलता है 100x90 R70 का मिल जाता है। और इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है। पीछे का सस्पेंशन का बात करें, इसमें आपको मिलता है रेड कलर के मोनोस्पोक सस्पेंशन मिलता है। और टेल लाइट का बात करें तो टेल लाइट आपको वही मिलता है, इसको कुछ यूज नहीं किया गया है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, या आपको स्पीड टेल लाइट मिल जाता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। और नीचे में इंडिकेटर मिलता है आपको बॉइक में। साइलेंसर का बात करें, सबसे लाउडेस्ट एंड काफ़ी बेसी साइलेंसर है 125 cc के बाइक के कंपेयर करें हम लोग। और हम लोग TVS इंडली प्रो का बैजिंग क्या मिलता है, जो फीस का जो माइलेज का रेंज वो काफ़ी बढ़ाता है। कंपनी क्लेम करती है 64 kmpl का, जो कि थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लगा है। इतना तो नहीं दे पाएगा, 50 दे पाएगा आराम से। वैसे तो TVS का इंजन है तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और इसका जो माइलेज है काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो कैसा लगा आपको TVS राइडर 125 जो नया मॉडल आया है E20 में, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, मैं मिलता हूँ अभी अभी, बताइए बाय।